एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू रिमूव योर हेयर विथ हेयर रिमूवल क्रीम। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं हेयर रिमूवल क्रीम के साथ। सभी लोग हेयर रिमूवल क्रीम के साथ हेयर रिमूव करते हैं और भी बहुत सारे मेथड हैं हेयर रिमूव करने के लिए, बट आज मैं बात कर रही हूँ सिर्फ हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में कि उसके साथ हम हेयर रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ करना है शेयर और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे नोटिफाइड रहें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। हेयर रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्रब करना है अपनी स्किन पे। स्क्रब करने से क्या होता है, जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं और जो जितने भी पोर्स होते हैं आपकी स्किन पे वो ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्किन पे कितने ज़्यादा बाल हैं, जैसे दिख रहे होंगे आपको। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगी, स्क्रब करूँगी। तो मैंने स्क्रब लिया है, ये मैंने DIY स्क्रब बनाया है शुगर और हनी को मिक्स करके, और बीच में मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाली है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रब लूँगी और अपनी स्किन पे अप्लाई करूँगी, इसको मैं स्क्रब करते जाऊँगी। इस तरह से आपको करना है, अच्छे से करना है। जैसे स्क्रब करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको वॉश कर देना है और अच्छे से टॉवल से वाइप कर देना है। उसके बाद हम हेयर रिमूव करेंगे अपनी हेयर रिमूवल क्रीम के साथ। हेयर रिमूव करने के लिए मैंने हेयर रिमूवल क्रीम ली है वीट की, जो है निखार हेयर रिमूवल क्रीम। इसमें टर्मरिक एंड सेफ्रन विद सैंडलवुड फ्रेग्रेंस है, तो काफ़ी अच्छी क्रीम है ये। तो इसको मैं यूज़ करूँगी हेयर रिमूव करने के लिए। तो इस तरह की है ये क्रीम, तो मैं इसे ओपन करूँगी, तो इधर मैं अप्लाई करूँगी अपनी स्किन पे। तो ये स्पैचुला आता है, इसकी हेल्प से मैं इसे स्प्रेड करूँगी अपनी स्किन पे। इस तरह से करना है। हमें क्रीम की थिक लेयर बनानी है स्किन पे, ताकि अच्छे से सारे हेयर कवर हो जाएं। अब हम इसे 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इसे स्पैचुला की हेल्प से रिमूव करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, आप चाहे तो इसे 3 से 5 मिनट भी रख सकते हैं, पर मैंने इसे 3 मिनट रखा है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब ये स्पैचुला है, इसकी हेल्प से मैं इसे रिमूव करूँगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि हेयर ग्रोथ इस डायरेक्शन में होती है, तो हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करेंगे। अब हम इसे नॉर्मल टैप वाटर से इसे वॉश कर लेना है और टॉवल के साथ अच्छे से इसे साफ कर लेना है। अब ये अच्छे से क्लीन हो गया है, सारे हेयर्स रिमूव हो चुके हैं। अब मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी अपनी स्किन को। तो मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने ये कोकोनट ऑयल लिया है, तो मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लूँगी, तो को इस तरह से इसे मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। आप चाहे तो एलोवेरा जेल या कोई भी बॉडी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये बात ध्यान रखें, आप जब भी हेयर रिमूव करें तो मॉइस्चराइज़ ज़रूर कर लें उसके बाद, क्योंकि मॉइस्चराइज़ करने से क्या होता है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट हाइड्रेट और नरिश रहती है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो हेयर रिमूव को लेके। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप हेयर रिमूव करें, कोई भी मेथड अगर आप यूज़ करें, चाहे ट्रिमिंग, चाहे रेजर के साथ, चाहे हेयर रिमूवल के साथ, चाहे वैक्सिंग के साथ, तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपनी स्किन पे स्क्रब कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद जब हेयर रिमूव करें, हेयर रिमूवल के बाद आपको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को, ताकि आपकी स्किन लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज रहे, हाइड्रेटेड रहे और नरिश रहे। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर